हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई आज है संडे, आज सब कुछ बंद है यहाँ पे। कह लो, समझ लो यहाँ पे एक लॉकडाउन सा लग जाता है। सारी शॉप्स बंद, सब कुछ बंद। अपना जो भी ख़रीदना है पहले ख़रीद ला। और कल सैटरडे था, कल भी सब कुछ बंद था, कुछ पब्लिक हॉलीडे थी, तो हम जो भी लाना था हम फ्राइडे को ही ख़रीद लाए थे अपनी ग्रोसरीज वगैरह। तो भाई आज जैसे हमारा अपार्टमेंट है, हम तीन जने रहते हैं, तो हम तीनों में से हर हफ्ते एक एक की बारी होती है अपार्टमेंट पूरा साफ़ करने की, जैसे गैलरी, किचन, सब झाड़ू पोछा सब। तो भाई आज है मेरी बारी, तो हम करते हैं अपार्टमेंट साफ़। और देखो भाई, कम से कम 2-2.5 हफ्ते बाद कल रात को फिर से स्नो पड़ी है, और आपको व्यू दिखाता हूँ। आप लोगों ने बाहर का, अब मैं आपको दिखा दूं। देखो भाई, बिफोर आफ्टर अपार्टमेंट का तो पता नहीं चलेगा इतना साफ सफाई में, क्योंकि वो तो एक नॉर्मल गैलरी है। मैं किचन से दिखाता हूँ आपको, किचन से आप जस्टिफाई करना। ये देखो अभी बिफोर, Two hours later। हाँ जी। तो भाई कर दी हमने अपार्टमेंट की सफाई, 1-1.5 घंटा लगा। अब देखो भाई आफ्टर किचन, है ना सुथरी। अपना ऐसी हो एकदम चंगी साफ सफाई कर दी। अब बस जाऊंगा ये कूड़ा फेंक के आना है उस नीचे जाके, उसके बाद जाके बस अपनी नहाई धोई करके पूजा करेंगे और फिर नाश्ता खाना। हाँ तो भाई आ लिया हम कूड़ा फेंकने। आप स्नो देख ही रहे होंगे चारों तरफ। ये रहा अपना कूड़ा। ये इधर जितने भी ये अपार्टमेंट है ना, इन सब के यहीं पे बन रहे हैं डस्टबिन। तो भैया इसमें अपना फेंक जाओ। ये अल्ट्रा प्योर मतलब इसमें सिर्फ पेपर आइटम्स डालेंगे, बाकी रेस्ट ऑफ फुल मतलब रेस्ट ऑफ दी सब इसमें। अपना ये गया, चलते हैं भाई। मैं ठंड में ऐसी बाहर आ गया। भाई ठंड लग गई मुझे बहुत ज़्यादा, एकदम मैं निकल गया था ऐसी जल्दी जल्दी में। हाँ तो भाई अपना नाना धोना हो चुका है। देखो भाई सही लग रहा हूँ ना मैं। अब बस अब जा रहा हूँ पूजा करने, पूजा के बाद करेंगे नाश्ता पानी। हाँ तो यार आप सभी भी आरती ले लो, हर हर महादेव, हनुमान बाबा की जय। यार यहाँ पे देख रहे हो ये जैसे धूप बत्ती है ना, ये मैं ज़्यादा देर तक वहीं नहीं रख सकता, क्योंकि वो अलार्म है ना, फायर अलार्म, वो इससे धुएं से ट्रिगर हो जाता है इसके। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ ये खिड़की के पास, और खिड़की वेंटिलेशन पे, तो वो सारा धुआं बाहर जाता रहता है, क्योंकि मेरे संग 2-3 बार हो गया है। और मैं गेट भी नहीं खोल के पूजा कर सकता, क्योंकि अगर गेट खोल के करूँगा तो ये वाला ट्रिगर हो जाता है इनका अलार्म। ये बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। तो भैया मैं जल्दी से अपनी आरती वारती करके और अपना फिर जल्दी से उसे खिड़की पर रख देता हूँ, वरना तो खिड़की खोल के रखनी पड़ती है पूजा के टाइम, जिससे कि वो धुआं इकट्ठा ना हो एक जगह। यहाँ पे अगर एक एक 1.5 मिनट बचता रह गया ना, इतने में तो फायर ब्रिगेड ब्रिगेड सब आ जाएगा। चलो भाई बनाए नाश्ता, और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ नाश्ते में। ये देखो भाई, तो मैंने अभी पन्नी में रखी हुई है, वैसे लिफाफे में मिलती है या दूसरी पन्नी। ये है भाई जर्मन ब्रेड फ्रेशली बेक। मैंने ये पूरा एक बन था ये इतना बड़ा, उसके बाद इसकी वही मशीन होती है, मैंने मशीन में ये स्लाइस कर लिए थे पूरी चारों तरफ, इसमें ये सब लगा है। ये वाली ज़्यादा फ्रेश और हेल्दी है, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट करी है, तो मैं खा के देखता हूँ ये ब्रेड। और इसके संग मैंने लिया है ये है फिलाडेल्फिया। ये जस्ट लाइक अ पेस्ट, तो ये पेस्ट है मेरा खीरे का और पनीर का। तो भाई ये भी मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया था खाने को, और ये जल्दी ख़राब हो जाता है, तो इसे जल्द काफ़ी आई मीन इसे काफ़ी जल्दी हमें फिनिश करना होता है। तो आज यही खाएंगे, हेल्दी खाएंगे थोड़ा सा। हाँ तो भाई अपना ब्रेकफास्ट है रेडी, जूस केले की सैलड बना लिया है, और ये इस पे वो लगा लिया फिलाडेल्फिया जो आपको दिखाया था मैंने किचन में ब्रेड पे, खा के देखता हूँ कैसा लगेगा। और भाई आज किस्मत इतनी अच्छी है, आज हमारे आकाश भैया की भी एक स्टैंड अप कॉमेडी आ रखी है,
तो भाई नाश्ते के संग इनकी स्टैंड अप कॉमेडी सोने पे सुहागा हो गया भाई। मैं देखता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। हाँ तो भाई, अब भाई पढ़ाई का टाइम। मैं ले रहा हूँ अपनी जर्मन की क्लासेस लैंग्वेज पैंथियन से, इंडिया से, ऑनलाइन। तो भाई इनसे मेरा क्लासेस लेने का देखो सबसे मेन फ़ायदा ये है, ऐसा तो नहीं है कि भाई मेरे को इनसे कमीशन मिल रही है अगर मैंने रिकमेंड कर रहा हूँ। ये मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि भाई ये हर एक लेवल पे ना, एक तो जो स्टडी आवर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा देते हैं, ऑलमोस्ट 120 to 140 आवर्स पर लेवल ये हमें देते हैं। और देखो टॉप पे तो जो गोएथे इंस्टीट्यूट है वो है, पर वो महंगा भी कितना है, वो 20-20, 25-25 हज़ार उसके एक लेवल के हैं। और उसके बाद पेपर की फ़ीस अलग, यहाँ लगते हैं एक लेवल के 15 हज़ार के आसपास, और काफ़ी अच्छी वो है। और गोएथे में आप शायद एक ही बार पढ़ सकते हो, मेरे को उसका एग्जैक्ट नहीं पता, पर इसमें हम एक लेक्चर को एक बार लाइव और दो बार रिकॉर्डेड, तीन बार देख सकते हैं। 6 महीने का टाइम होता है लेक्चर ख़त्म होने के बाद। तो भाई मैं तो इसलिए रिकमेंड करता हूँ लैंग्वेज पैंथियन, पढ़ाने का तरीका और एक क्लैरिटी वाइज बहुत बहुत सही है। यहाँ के टीचर्स मतलब मुझे तो लगता है A1 लेवल के टीचर्स हैं। तो भाई मैं जा रहा हूँ पढ़ने, अब मैं आपको मिलता हूँ पढ़ाई के बाद, 4-5 घंटे की पढ़ाई होगी, उसके बाद मिलते हैं। हाँ तो जी, दो वीडियोस देख ली मैंने जर्मन लैंग्वेज की, मतलब 2x पे करके देखी तो जल्दी जल्दी हो गई। वो मैम बहुत धीरे धीरे बोलती है, तो मैं 2x पे भी उनकी सारी समझ जाता हूँ क्या बोल रही हैं। तो भाई अब लग रही थी भूख, तो लेना पड़ा हमें एक ब्रेक छोटा सा। उस ब्रेक में अब हम बना रहे हैं आलू की भुजी टाइप, आप कह सकते हो। अभी तेल गरम हो रहा है बस, फिर ये बना दूंगा मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनती है आज मेरी ये भुजी। ये गरम हमने चुटकी भर जीरा, अब ये गई मिर्चियाँ। भाई अपनी इतनी अच्छी कुकिंग स्किल तो है नहीं। अरे भाई भाई तेल आ रहा है ऊपर, इससे क्या होगा ये मिर्ची की वो ख़त्म हो जाएगी, मिर्ची नहीं लगेगी अगर ये आ भी गई मुँह में। अब जितना मुझे पता है सीधा ये आलू, ये भाई भाई हल्दी मिर्ची और अब नमक, नमक स्वाद अनुसार। हाँ तो भाई ये मैंने चला चला के इसे बस ढक दिया। अब अपना सेकंड टास्क, अब इसे भी गूंदें। सबसे आलस का काम है ये, और ख़ासकर भैया लड़कियों को तो फिर भी थोड़ी सी भाई घर में भी होती आदत, हमें ना होती बिल्कुल भी। नहीं तो एमरजेंसी के लिए हम टोटीला ला के रखते हैं, ये तो चलो भैया अभी हमें नहीं खानी। हम अपना आलस मार के इसको गूंदते हैं भाई, कहीं ना कहीं जब तक आटा ना जाए ना, अगर हफ्ते भर में जाता है आटा पेट में भाई मज़ा सा आ जाता है उस दिन। तो इसी के साथ भाई अपनी सब्जी शक्ल थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, इसकी सब्जी रेडी है और अपना आटा गूंद गया। अब बनाऊंगा रोटी लास्ट टास्क, और फिर सीधा आपको मिलता हूँ रोटी के संग, कुछ बातें करेंगे और फिर इस ब्लॉग को करेंगे एंड। हाँ तो भाई गाइस दोस्तों, अपना खाना आ चुका है, अब खाना खाएंगे। और वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मेरे को अभी रिसेंट में पता चला है, एक फ्रेंड है उन्होंने यूट्यूब के थ्रू मेरे को मैसेज करा व्हाट्सएप पे कि उनके एजेंट बोल रहे हैं कि उनकी वीज़ा एप्लीकेशन एम्बेसी पे बुक कर देंगे क्योंकि VFS पे स्लॉट्स नहीं है। मैं आपको क्लियर बता दूं, जब से ये VFS आया है एम्बेसी कोई भी एप्लीकेशन नहीं लेता। तो ये जो भी एजेंट बोल रहे हैं, पता नहीं वो क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। मैंने उनको कहा है, क्योंकि उनके एजेंट ने बोला कि भाई हमने 3 और कराए हैं पहले। अब भाई मैंने कहा है, फिर जाओ तुम देखो एक बार जाके, भाई जो भी अपडेट होगा मैं आपको इस चीज़ के रिगार्डिंग दे दूंगा। पर VFS एक ओनली प्लेटफॉर्म, एक ओनली साइट है जिसपे, और एक ओनली सेंटर है जिसपे आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हो। बाकी अगर आपको जर्मनी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और यहाँ कहीं आपको दिख भी रहा होगा मेरा यूज़र नेम। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, सत श्री अकाल, कीमो नाचे, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ।